अगरबत्ती स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में पहले हमने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन, उसकी माइनिंग और रिफाइनिंग के बारे में स्टडी किया था। आज हम नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल गैस भी जैसे कि पेट्रोलियम समुद्र के अंदर जो इम्प्यूवियस रॉक होते हैं उनके लेयर के बीच में पाया जाता है, उसी प्रकार से नेचुरल गैस भी इम्प्यूवियस रॉक के बीच में पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर जो है पाई जाती है। तो जब पेट्रोलियम को ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाता है तो साथ में नेचुरल गैस भी बाहर आती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, तो क्योंकि नेचुरल गैस हल्की होती है तो ये सबसे ऊपर कलेक्ट हो जाती है। अब जो नेचुरल गैस होती है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती हैं? इट इज़ एन आइडियल फ्यूल, क्योंकि जो नेचुरल गैस है ये फ्यूल की तरह यूज होती है और ये कन्वीनियंट और आइडियल फ्यूल है, स्टैंडर्ड फ्यूल है। क्यों है कन्वीनियंट? बिकॉज इट डज नॉट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग। जब इसको हम जलाते हैं तो ये इसको जलाने के बाद राख नहीं होती है, ऐश नहीं होती है। इसके अलावा इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, और इसके जलाने पर धुआं भी नहीं होता है। तो जब धुआं नहीं होता है, स्मोक नहीं होता है, इसका मतलब एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, इसलिए ये कन्वीनियंट फ्यूल है। इट इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन, और इसको हम पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, वो पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस की यूजेज क्या क्या है, क्या क्या इसका उपयोग है? इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, घरों में और इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एक नेचुरल गैस है जो कुकिंग में यूज होती है। अब जो LPG है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में भी एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है नेचुरल गैस का। इट इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाने में इसका यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर ट्यूब बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन इन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और इंडस्ट्रियल स्केल पर हाइड्रोजन गैस बनाने में भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी नेचुरल गैस है। जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्योंकि नेचुरल गैस है इसलिए ये भी एक कन्वीनियंट फ्यूल है। ऑटोमोबाइल में जैसे बस, ट्रक, इनमें एज ए फ्यूल CNG यूज की जाती है। और इसके अलावा इसको भी नेचुरल गैस की तरह ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रू पाइपलाइन। अब और ये भी एक स्मोकलेस गैस है। स्मोकलेस इसका मतलब है कि जब इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो धुआं नहीं होता और राख भी नहीं होती है। और हमारे देश में त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और राजस्थान, महाराष्ट्र में नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार स्टोरेज है जहाँ से नेचुरल गैस निकाली जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंसीक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसके क्या परिणाम है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, प्राइमरी यूज का ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम में पेट्रोल और डीजल दोनों होते हैं, तो पेट्रोल और डीजल का यूज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि रोड पर व्हीकल्स की संख्या वो बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल जो है, जो पेट्रोलियम है, वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी इसका जो स्टॉक है, इसका जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब पेट्रोल और डीजल बचे ही ना, क्योंकि उनका कंजम्पशन तो बढ़ रहा है और इनका जो स्टोर है वो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, जो पेट्रोलियम और कोल इनकी जब माइनिंग की जाती है, तो
पेट्रोलियम में क्या होता है, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। और ड्रिलिंग करने से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस में स्पेस हो जाता है, तो उस स्पेस के कारण माइनर या मेजर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनी जाती है। जब हम कोल को बर्न करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो कोल को बर्न करने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये एयर को पोल्यूशन फैलाती है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है और इसके कारण फ्लड की यानी बाढ़ की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मानसून जो होता है, मानसून सीजन, जैसे कि आजकल मानसून सीजन चल रहा है, तो उस पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक पॉइजनस गैस है, तो जब इसको इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाता है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाती है, तो ये इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने में असमर्थ हो जाता है और इससे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, इससे क्या होता है, सफोकेशन हो जाता है और कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार से कोल और पेट्रोलियम का जो एक्सेसिव यूज हो रहा है वो सभी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। इंडिया में, हमारे देश में एक संस्था है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआर है, उनके कुछ सजेशंस है, इस संस्था ने कुछ सजेशन दिए, कुछ सुझाव दिए हैं कि पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो स्पीड मॉडरेट रखनी चाहिए। मॉडरेट का मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जहाँ तक तो पॉसिबल हो सके। उससे क्या होता है, पेट्रोल या डीजल का कंजम्पशन कम होता है। सेकेंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर जब कुछ देर खड़ा होना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, व्हीकल के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, उससे भी पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम होता है। मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर। जो भी व्हीकल आपके पास है, जो भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं, उसके में जो टायर हैं उनमें एयर के प्रेशर को मेंटेन रखना चाहिए, एयर का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। एयर का प्रेशर कम होने से क्या होगा कि टायर की मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और फ्यूल का कंजम्पशन, फ्यूल का मतलब पेट्रोल या डीजल का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। डी एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और अपने ही व्हीकल की टाइम टाइम पर मेंटेनेंस और सर्विस कराते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर भी फिनिश हो गया है, और इस चैप्टर को केयरफुली स्टडी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।